हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बच्चों के विवाद और थाने शिकायत करने ऑटो से जा रही महिला को दबंगों ने रास्ते और रोक लिया। महिला को ऑटो से उतारने के लिए दबंग खींचतान करने लगे। इसी खींचतान और महिला के साथ बैठी बेटी गिरकर अचेत हो गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत से घर और कोहराम मच गया। परिजनों की तहरीर पर दो लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र सिसोलर के ग्राम छोटा लेवा निवासी राकेश साहू व छोटे लाल प्रजापति के बीच अनबन चल रही है। पिछले 24 अक्टूबर को शराब के पैसे मांगने पर दोनों के बीच विवाद हुआ था। छोटे लाल ने राकेश के खिलाफ तहरीर दी। राकेश घर से भाग निकला। राकेश की पत्नी ममता ने बताया कि गुरुवार को छोटे लाल हमें साथी अनिल के साथ घर आकर गाली गलौज करने लगे। तब वह जेठानी आशा देवी, बेटी श्वेता 6 व पुत्र मनोज 3 को ऑटो से लेकर अधिवक्ता ससुर शिवव्रन के पास मौधा आई। उन सबके ससुर और थरीर लिख थाना सिसोलर जाने को कहा। वह लोग ऑटो से निकले। तभी भनक लगते ही छोटे लाल व अनिल बाइक ने सिसोलर गांव के पहले उनका रास्ता रोक लिया। आरोपी गाली गलौज करते हुए उसे ऑटो से खींचने लगे। इस खींचतान और उसकी गोद और बैठी 6 वर्षीय पुत्री श्वेता जमीन और गिरकर अचेत हो गई, जिस समय की अन्य लोग घायल हो गए। यह देख आरोपी मौके से भाग निकले। ममता हमी बेटी को लेकर कस्बे की CHC पहुंची, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना सिसोलर पुलिस ने इस घटना को लेकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी छोटे लाल को हिरासत और लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।